हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने बताया था कि राजा जो लुईस 16 था, जिसके खिलाफ पूरा फ्रेंच यानी कि जो थर्ड एस्टेट होता है, वो किस तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाता है और कैसे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखना। तो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद भी हालात नहीं सुधरते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन था और इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके लोग अभी अवेयर तो हो गए थे, लेकिन जिन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, जैसे महिलाओं का तो वोटिंग राइट था ही नहीं, टैक्स देने वाले लोग ही सिर्फ वोट कर सकते थे, तो इक्वल वोट इक्वल राइट जो वाली जो आइडियोलॉजी थी वो तो वर्कआउट ही नहीं कर रही थी। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं राजा का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले होता है। तो डेट आती है 1792, जब मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है फ्रेंच का, उससे हटके वो रिपब्लिक बन जाता है, यानी राजा का शासन ही खत्म हो जाता है। तो राजा का शासन कैसे खत्म होता है, अब मैं उसकी शुरुआत करूंगा। तो होता क्या है, लुईस 16 जो होता है उसको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन आने की वजह से, और वो फिर एक प्लान बनाता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के राजाओं से मिलता है, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के राजाओं का भी ये मानना था कि यहाँ पे अभी रिवॉल्यूशन आया, हो सकता है आने वाले समय में इसका इफेक्ट हमारे देशों में भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं सारे उन लोगों को इकट्ठा करके वो एक प्लान बनाता है लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उन लोगों को बेसिकली ऑब्वियसली खत्म करने के लिए कि दोबारा से वहां पे कंप्लीट मोनार्की लाई जाए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एक डायवर्जन आता है कहानी में, और वो ये होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि जो राजा है लुईस 16 वो प्लानिंग कर रहा है लोगों के खिलाफ के और इस चीज को खत्म करने के लिए। तो यहां से क्या होता है कि लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वहां का एक नेशनल एंथम बनता है मर्सिली करके, जो वहां के एक शहर का नाम था जहां से सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे होते हैं और फिर वो लोग बढ़ते हैं राजा की तरफ, इसका प्रोटेस्ट करते हैं, काफी काफी धरना देते हैं, आवाज उठाते हैं, और इसकी फिर शुरुआत होती है यहां से हमारे अगले स्टेप की। अब यहां से होता क्या है, राजा के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, लेकिन राजा के साथ होता क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। उसमें मैं यहाँ एक छोटा सा एक अलग एंट्री बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक नाम बताना चाहूंगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। ये जो इंसान था इसका काम क्या था, बेसिकली ये जो मैक्स बंदा था इसने क्या किया था, ये बेसिकली टेररिज्म का फाउंडर था। इसको बताते हैं कि इतिहास में इसका नाम जो जाना जाता है वो एज अ टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जिन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे और जो लोग वोट नहीं कर सकते, तो एक जैकोबिन क्लब था वहां पे जिसमें लोग इकट्ठे होते थे और इस चीज को लेकर डिस्कस करते थे, क्योंकि रिपब्लिक तो अभी बना ही नहीं था, अभी तो बस एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल था, लोगों को राइट नहीं थे, तो उसके रिगार्डिंग बातें होती थी, क्लब में मिलते थे। और ये जो इंसान था मैक्सिमिलियन, मैं थोड़ा नाम बोलने में इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, तो जो नाम है इसका दोबारा से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स जो नाम है, ये इस इंसान को लीडर बनाते हैं लोग वहां। फिर उसके बाद राजा के उस पर धरना दिया जाता है, उसके फोर्ट पे धरना दिया जाता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, बेसिकली उसको फांसी दे दी जाती है, और यहां से रिपब्लिक की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये तो था फ्रेंच का भी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से राजा को खत्म कर दिया जाता है, वहां से मोनार्की ऑलमोस्ट अबॉलिश कर दी जाती है और वहां पे रिपब्लिक की शुरुआत होती है, यानी कि खुद का उनका अपना लीडर होगा जिसको वो इलेक्ट करके चुनेंगे। तो दोस्तों, अब होता क्या है, मैक्सिमिलियन रोजनबर्ग जो होता है वो फ्रांस का नया इलेक्टेड लीडर बनता है उन लोगों का। अब यहां से शुरुआत होती है टेरर की। तो यहां से टेरर मतलब यहां से कोई टेररिज्म नहीं फैलता है, बेसिकली ये जो इंसान था मैक्सिमिलियन रोजनबर्ग, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा तानाशाह टाइप का बंदा था। अगर सही भाषा में बोलूं तो तानाशाह भी नहीं था, एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो अपर स्टेट था यानी कि फर्स्ट नोबिलिटी और जो क्लर्जी पीपल थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उसने फिर शोषण करना शुरू करा। मतलब अब क्लास 3 के साथ नहीं, अब वो अपर क्लास के साथ शोषण करना शुरू कर रहा है, उसने उल्टा कर दिया। मतलब जो राजा करता था लोअर के साथ वो अब अपर के साथ करने लग गया है।
और एक सजा होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम था गुलेटिन। गुलेटिन एक बेसिकली डिवाइस होती है जिसमें ऐसे गर्दन रख दी जाती है और ऊपर से उसको काट दिया जाता है। इस तरह की वो सजा दिया करता था कि मतलब उसको शक था कहीं ना कहीं कि फिर से कहीं से दोबारा मोनार्की ना आ जाए, और उस मोनार्की के डर की वजह से वो अक्सर नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास की जो लोग हैं उन पर शक रखता था। किसी पे भी शक होता था और लगता था कि उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको मार दिया जाता था। ये उसकी पनिशमेंट थी। ये जो डिवाइस थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया गुलेटिन के बारे में, ये डॉक्टर गुलेटिन एक था उसी की बनाई हुई डिवाइस थी जो उस जमाने में चलती थी और काफी मशहूर थी इसकी इस पनिशमेंट के बारे में। उसके अलावा इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, तो उसने क्या किया कि प्राइस के दाम जो है फिक्स कर दिए, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती चली गई और दाम वही रहे तो उसमें फार्मर्स को और नॉर्मल लोगों को नुकसान होने लग गया जो बेचने वालों को था। तो यहां आकर फिर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कि भाई अब ठीक नहीं हो रहा है, ये इंसान भी ठीक नहीं। तो जो उसी के सपोर्टर थे क्लास थ्री एस्टेट के, उन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको भी वहां से हटा देते हैं। तो यहां से जब वो हटता है तो फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदलाव आता है और फिर यहां से शुरुआत होती है डायरेक्टरी रूल की। अब ये डायरेक्टरी रूल क्या होता है, ये डायरेक्टरी रूल बेसिकली फ्रांस का आखिरी टाइम पीरियड आ जाता है जब, यहां से अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कहानी में। ट्विस्ट इस तरीके से आएगा कि अब दोबारा से मोनार्की आने वाली है बेसिकली। अब आप लोग कहेंगे कि मोनार्की इतनी मेहनत से इन फ्रांस के लोगों ने हटाई थी और अचानक से फिर से मोनार्की आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि मैक्सिमिलियन रोजरबर्ग जो था उसके टाइम में चीजें ठीक नहीं थी। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल में क्या होता है कि लीडर एक नहीं पांच कर दिए जाते हैं तो वो इलेक्टेड होते हैं। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव आते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद क्या होता है कि रूल ठीक से नहीं हो पा रहा था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी थी। लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मिसमैनेज था, मिसकम्युनिकेशन था, और जिसकी वजह से यहां एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन का नाम आप लोगों ने अक्सर कहानियों में सुना होगा। तो नेपोलियन जो था एक आर्मी डिक्टेटर था जो वापस आता है और फ्रांस पर राज करता है और फिर से दोबारा से मोनार्की लग जाती है वहां पे और फिर से उसका राज होता है। तो दोस्तों ये तो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? स्टोरी से ये समझ में आया कि फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों ने कितनी मेहनत करी थी वहां से मोनार्की को हटाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब सिचुएशन, कहते हैं कि जो कोई चीज मिल गई है उसको सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो कोई दोबारा उस पर फायदा उठाने के लिए आएगा, और नेपोलियन यही करता है, आता है वापस और वहां पे मोनार्की लग जाती है। लेकिन यहां पे एक बात बताऊंगा कि नेपोलियन जो था वो कहने के लिए डिक्टेटर था लेकिन वो बहुत सॉफ्ट डिक्टेटर था। उसने लोगों की परेशानियों को समझा, उसने जाना कि वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इस पूरे रिवॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे रोल थे कि वुमेन्स ने काफी कुछ प्रोटेस्ट करा था। इवन जो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सबर्ग था उसके खिलाफ भी औरतों ने आवाज उठाई थी जिसमें उसने औरतों को मार दिया था। इस पूरी कहानी में जो मैंने आपको बताया आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसमें मैंने कहीं किलिंग की, मार की, उतने एक्सट्रीम लेवल में बात नहीं करी, क्योंकि दोस्तों उसके बारे में बताने से ज्यादा फायदा है कि बेसिक कहानी का पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारी आइडियोलॉजीज आई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मकसद है इस कहानी का बताने का वो यही था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया था उसकी वजह से पूरे देश में किस तरीके से, इवन देश में नहीं सॉरी पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरह की सोच डेवलप हुई और पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में फैली और आज की डेट में हर कंट्री उसको फॉलो कर रही है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी बस इतनी ही थी और उसके बाद फिर सालों लगते हैं इसको बदलाव आने में और धीरे 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 डेवलप होता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में यही था कि यहां से ये जो आइडियोलॉजी, ये जो सोच थी, इसने कैसे जन्म लिया, कैसे डेमोक्रेसी और इन सारी चीजों का जन्म हुआ और आज तक वो चीजें चलती आई थी। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी के रिगार्डिंग आपको और भी कोई वीडियो देखनी है या आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना सजेशन देते रहिएगा और आने वाले समय में आपको ऐसी और रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।